सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, एक मरतबा रमजान के महीने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। उस वक्त आपने अपना एक ऐसा वाकया बताया जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और रमजान की रातों में एक काम यह भूलकर भी कभी नहीं करोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमजान के इस पाक महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और वो भी इस गुनाह से अपने आप को बचा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हों ने लोगों को बताया कि एक दिन शाम के वक्त में जियारत कब्र के लिए कूफा के कब्रिस्तान में मैं तशरीफ ले गया। वहां पर मेरी नज़र एक ताज़ा कब्र पर पड़ी जिसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मुझे उस कब्र को देखकर उसके हालात मालूम करने की ख्वाहिश हुई। यानी कि मुझे यह देखने की ख्वाहिश हुई कि इस कब्र के अंदर जो मुर्दा है वो किस हाल में है। इसलिए मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह से अर्ज गुजार करने लगा, या अल्लाह, इस कब्र की मैयत के हालात मुझ पर जाहिर फरमा। फौरन ही अल्लाह की बारगाह में मेरी फरियाद सुन ली गई, यानी कि मेरी यह दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। और फिर देखते ही देखते उस मुर्दे के और मेरे दरमियान जितने भी पर्दे थे तमाम के तमाम पर्दे उठा लिए गए। अब एक हेबतनाक मंजर मेरे सामने था, यानी कि एक खौफनाक नज़ारा मेरे सामने था। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फिर फरमाया, ए लोगो, फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस कब्र का मुर्दा आग की लपेट में है और तड़प तड़प कर रो रहा है। फिर वो मुर्दा रो रो कर मुझसे फरियाद करने लगा और चीख चीख कर मुझसे कहने लगा, या अली, मैं आग में डूबा जा रहा हूँ, मैं इस आग में जला जा रहा हूँ, या अली, मुझे बचा लीजिए। उस कब्र की दहशतनाक मंजर और मुर्दे की चीख पुकार और उसकी दर्दनाक फरियाद ने मुझको बेकरार कर दिया। इसलिए फिर मैंने फौरन ही अल्लाह ताला की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और नहायत ही अजीजी के साथ में उस मुर्दे की बख्शिश के लिए दुआ करने लगा। मैं अल्लाह से दुआ कर ही रहा था कि इतने में गेब से आवाज़ आई, ए अली, आप इस मुर्दे की सिफारिश ना ही फरमाएं तो अच्छा है, क्योंकि यह शख्स रमजान के महीने में रोज़ा रखने के बावजूद भी गलत काम को अंजाम देता था और रमजान के महीने की बेहुर्मती करता था। यह शख्स इस पाक महीने में भी गुनाहों से बाज नहीं आता था। ए अली, यह शख्स दिन में रोज़ा रखता था मगर रात को गुनाहों में मुब्तिला रहता था, रात भर यह शख्स जिना करता था। हजरत अली ने फरमाया कि यह सुनकर मैं रंजीदा हो गया और अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रो रोकर अर्ज करने लगा, या अल्लाह, मेरी लाश तेरे हाथ में है, इस बंदे ने बड़ी उम्मीद के साथ में मुझको पुकारा है, ए मेरे मालिक, इसके सामने तू मुझे रुसवा ना फरमा, इसकी बेबसी पर रहम फरमा दी और इसको बख्श दी। इस तरह से फिर मैं अल्लाह की बारगाह में गिर कर और रो रोकर दुआ करने लगा। मैं दुआ कर ही रहा था कि इतने में गेब से आवाज़ आई, ए अली, हमने तुम्हारी फरियाद सुन ली और तुम्हारे सदके में हमने इस शख्स को बख्श दिया। फिर उस मुर्दे पर से कब्र का अजाब उठा लिया गया। दोस्तों, फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने हाथ जोड़कर फरमाया, ए लोगो, रमजान का महीना बहुत ही मुबारक और बरकत वाला महीना है। खुदा के वास्ते आप इस पाक महीने की कद्र करें, दिन में भी और रात में भी। कहीं ऐसा ना हो कि आप दिन में रोज़ा रखें और रात में जिना पे जिना करते रहें। याद रखें, ऐसा करने वालों का हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। ऐसे लोगों को कब्र में बहुत ही सख्त अजाब मिलने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी से भी गुजारिश है कि आप रमजान की रातों में भी यह एक काम, यानी कि जिना जैसा घटिया और गंदा काम भूलकर भी ना करना। अगर आपने यह काम कर लिया तो फिर आपके दिन में रोज़ा रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह आपको कब्र में सख्त अजाब देगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रमजान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने की तौफीक दे और जिना जैसे बुरे काम से हम सबको महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।